यहीं पे रह रहा है और यहीं से केस चल रहा है। दोस्तों आज से इस होटल की मालकिन मैं हूँ। मुझे पता था तू आज मेरी बेटी है, मुझे मालूम था, मुझे पता था तू पढ़ रही है IAS ऑफिसर होने हो। ए मैया ले जा मेरे लल्लाकू। कभी कभी तो वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं वीडियो बनाना बंद कर। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गवाया मैंने, तो प्लीज मुझे हारने मत देना। मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। साथ करते हैं एक और न्यू ब्लॉग। आज हमारी कोर्ट में मेरी और सौरभ की तारीख है। आज हम कोर्ट जाएंगे तारीख करने। हमारी इस बार 8 तारीख लगी थी। तारीख करने के बाद सिर्फ चलेंगे हम लोग उत्तरा। कैंपिंग का सामान वैसी की वैसी पड़ा है जो मैं रात लेके आई थी। कैंपिंग में ये कुर्सियां फ्रंट चार चांद लगाने वाली हैं। कुर्सी मेरी और दूसरी सौरभ की, दोनों आमने सामने बैठ के चाय पिया करेंगे। सर्दियों में पहाड़ों में बहुत मजा आएगा। ख्वाहिश थी ये कुर्सी लेने की। ज्यादातर मैं दूसरों की कैंपिंग ब्लॉग देखती हूँ ना, तो ये सारी चीजें सारा सामान किट उनके पास अवेलेबल होती है, लेकिन हम लोग ना जुगाड़ कर करते काम चलाते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे में अपना सामान बना लूं। अभी देख रहे हैं स्लीपिंग बैग, ये भी मेरे कैंपिंग के ही फिलहाल ये यहाँ पे काम आ रहे हैं। फ्रेंड मम्मी बाहर बर्तन धो रही है और मैं यहाँ पे अपना साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। सच बताऊँ तो मैं कई दिनों से नहाई नहीं है फ्रेंड। कभी कहीं चले आते हैं, कभी कहीं चले आते हैं। आज मैं नहाऊंगी, पहले मैं अपने घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, यहाँ के अंदर का झाड़ू पोछे का, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। काम करती हुई वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं कोर्ट के लिए लेट हो जाऊंगी, तो वीडियो को थोड़ा रोक। झाड़ू पोछा तो अपना सारा हो गया, पूरा चमाचम कर दिया मैंने दोनों कमरों को। अब मैं थोड़ा नहा धो लेती हूँ, कई दिनों से ब्रश भी नहीं किया, ब्रश कर लेती हूँ। इतो ही बस ले कितने करते फ्रेंड, मैं तो ब्रश कर लेती हूँ, जल्दी नहा लेती हूँ, कोर्ट जाना है। ब्रश हो गया फ्रेंड, बस नहाना बाकी रह गया। मैं ना अपना ब्रश इधर दुबका के रखती हूँ, कोई भी उठा के कर लेता है, क्योंकि सेम दो तीन लोगों का ना सेम ब्रश है। बिकम इज सेम, मेरे जैसा ही ब्रश है, येलो कलर। ये लौंडे वाले कपड़े मैं पहनने वाली हूँ। उत्तराखंड से जब आई थी फ्रेंड, कपड़े लेके नहीं आई थी, दो चार दिन रुकने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे ना कई दिन रुक गए हम लोग। अब बस एक दो दिन में यहाँ से चले आएंगे। नहा के आती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है फ्रेंड। मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद अपनी पूजा पाठ भी कर लिया। आज सोमवार है। अभी जो लक्ष्मी गणेश देख रहे हैं और ये कृष्ण जी और माँ वैष्णो देवी भगवान ना, हमारे पापा ने अपने हाथ से बनाए थे पीतल की ढलाई पे। कितनी अच्छी सेब है। एक डेढ़ साल की थी, बहुत छोटी थी, एक डेढ़ साल की, उस टाइम की मूर्ति या बनी हुई है। अभी तक घर ही में है और पूजा होती है इनकी। फ्रेंड मैं बर्फी खा लेती हूँ, के बाद से एकदम मिठाई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। नहाने के बाद या खाना खाने के बाद, खाना बथुआ को पराठो और बथुआ को रातो, जाके बाद हमें कोर्ट जाना है। तू भी खा ले खाना। तो हम लोग खा लिए फ्रेंड, अब जा रहे हैं कोर्ट तारीख करने। यहीं पे रह रहे हैं और यहीं से केस चल रहा है। केस को खत्म करवा रही है मम्मी। करवा दो मन तो खत्म, तुम करवाओ। हाँ करवा रहे, केस बरकरार चल रहा है ऐसे की वैसे ही। क्या करे वो पल्ला में केस खत्म ना कर रहे, तो हम तो अपन जाकर खत्म करवा दो बिल्कुल। मम्मी की तरफ से तो फाइनल हो गया, इन्होंने ना FIR जो सौरभ के नाम करी थी FIR वो वापस ले ली। मेरी गवाही रहेगी है, उसके बाद केस खत्म हो जाएगा। फ्रेंड ये देख सकते हैं, इतने पैसे ले जा रहे हैं हम कोर्ट में गवाही के लिए। अगर करवा दे तो इतने ये तो दो तीन हजार है, इससे ज्यादा पैसे जाते हैं हर बार, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यार वापस ले लिया तो उदय वो ले लिया खाके। काम कर रहा हूँ, जब इतने पैसे मिलने जाओ गवाही वही हो पा रही है, तारीख भी बहुत मुश्किल से होती है। गवाही में तो 10-5 हजार मांग रहे हैं। ये एक एक, एक हॉस्पिटल और एक ये कोर्ट कचहरी, इनमें आदमी बर्बाद हो जाता है, पूरा परेशान अलग हुआ, टेंशन में कुड़त हुआ, ऊपर से पैसा की पैसा बर्बादी होती है। हम लोग ना कोर्ट पहुंचने के वाले हैं, बस थोड़ी सी दूर और है, फिर अंदर जाके दिखाते हैं वकील क्या क्या कहेंगे, कितने पैसे मांगेंगे है ना। ये दोस्तों हम कोर्ट के बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल अब चलते हैं इसके अंदर। 3 hours later अभी हम अंदर कोर्ट में गए थे, तो वकील के पास गए थे, वकील लोग बोल रहे थे कि आज चल रही है कंडोलेंस, तो वकील के द्वारा मतलब कोई काम नहीं होता कि खुद जाओ, खुद ही तारीख करो और खुद ही तारीख लेकर आओ।
तो हम ऊपर कोर्ट में गए थे, वहाँ मैं अंदर गया था, तारिक मैंने की और तारिक लेके वापस आ गया ना, हम वकील के पास गए। वकील के पास जाते हैं फालतू के पैसे देने पड़ते हैं, तो आज हमारी नॉर्मली 50 रुपए हाँ 50 रुपए में तारिक हुई है आज हमारी, और ना वैसे तो वो 1500 मांगते हैं, 2500 में लोगों का तो पेट भी ना भरता, गवाही वही करा दे किसी गरीब आदमी की। फ्रेंड कोर्ट तो हम हो आए और पापा के होटल पर आ गए, इधर थोड़ा सौरभ का हम दिखवा देंगे। फ्रेंड बहुत ठंड हो रही है यार, क्या करें, कैसे जाएं ऐसे में पहाड़ों में, पंगा होगा पंगा। लो ये फ्रेंड बहुत आफत काट रहा है यहाँ पे आके, ना इस मम्मी को छोड़ रहा लड़े बिना, एकदम मारने के लिए धाड़ता है। कोई कस्टमर हो कस्टमर से भी ऐसे करता है, जबकि कस्टमर तो देखो ऐसा बोलना भी ना चाहिए। सौरभ है, सौरभ से भी ऐसी बोलता, मुझे से भी उल्टी सीधी। शाही पनीर की ग्रेवी गरम हो रही है, तंदूर पे ही गरम हो रही है, गैस बचेगी। दोस्तों आज से इस होटल की मालकिन मैं हूँ, मम्मी तो बैंक की गई हुई है किसी काम से। अपन चलते हैं घर की तरफ, मम्मी बैंक से आ गई है कुछ काम से, गई थी वो काम पूरा हो गया और मैं भी घर की तरफ चलती हूँ। चेरी भी देखना है, अगर उसको थोड़ा अकेला छोड़ दे तो वो घर छोड़ के भाग जाता है। तो गाइस घर की तरफ चलते हैं, बाइक पे बहुत मजा आ रहा है सौरभ के साथ बैठ के। फाइनली तारीख करने के बाद जब से गए गए हम लोग अभी घर पे आए हैं, और चेरी देखते हैं क्या कर रहा है शैतान बच्चा मेरा, करके चले आते हैं क्योंकि वो बाहर रहता है, काटता शैतानी करता है, शिकायत लाता है, इसलिए उसको अंदर बंद कर देते हैं, पड़ा रहे। अरे है तो सही है ना। ओ माय गॉड, मुझे पता था तू तेरी बेटी है, मुझे मालूम था, मुझे पता था तू तेरी। ओ माय गॉड, शिरानी कुटी ए मैया, पापा ही पास ही जाएगी बस, मैं कूट लूंगा। अरे हरियाणी मैया, कितना शैतान बच्चा है यार, पता ना किनको बच्चा आएगी, पता बड़ा है तेरा नाम। पढ़ रही है IAS ऑफिसर बने हो तू, पर थोड़ी ना डाल रहा मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ IAS। IAS ऑफिसर बने हो और फुल फॉर्म पता ना कहा है IAS वाले, जो काम हम कर देंगे हमें पता था कि बिल्कुल ना है। हाँ बता चल IAS की बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड में जा रहे हो, और जाते अगर 1 किलोमीटर पे रेस मरवा ली ना नौकत में IAS के बादाम है मारे है, जितो जाको तो मारो तो साझा घर में सब चीज आएगी थोड़ी ना, कुछ चीज खाना दे। फ्रेंड सौरभ जा रहे हैं दुकान पे काम करने होटल पे, लल्ला भी देखना पीछा करेगा, सुनी दाएगी बुक्कुल भी, सुनी दाएगी, सुनी दाएगी। अब इसकी ये पीछे पीछे दौड़ लगाएगा। ए मैया ले जा मेरे लल्ला को, रोटी बनावे ना तो खाता आवे गई, मेरा कुल्ले मेरा लाल मेरा पूत ना संग संग जा रहा है, ना जावे अरे ना जावे, लेके चल ले लेके चल। ए मैया चढ़ गो मेरा लाल, लल्ला शेर खासा रही है एरी लाली कुटी। हाथी से दिल्ली का ड्रामा है नीच, देखो देख लिया आप लोगों ने अपनी आंखों से इसकी शैतानी, लगता है कि ये किसी जानवर का बच्चा है। देख लिया आप लोगों ने अपनी आंखों से इसकी शैतानी, लगता है कि ये किसी जानवर का बच्चा है। इंसानों से बढ़ के है, कम नहीं है, बढ़ के है, इतना तो बच्चा भी नहीं करता होगा, कोई रोता होगा जाने के लिए। तो दोस्तों हम ना कल दिल्ली गए थे, वहां का हमने एक अपना ब्लॉग बनाया था दोनों ने, तो वो वीडियो हमने आज अपलोड की थी, उसमें कुछ नहीं है, हमने बहुत आध पौन घंटे मूड मारा वीडियो को चेक किया, उसमें कुछ नहीं है, और वीडियो हमने आज पब्लिक भी किया पर उसका डॉलर खराब कर दिया यूट्यूब ने, पता नहीं की मेहनत करते हम लोग, इतनी दूर गए थे ब्लॉग बनाया था हमने, परेशान हुए रास्ते में, वो अलग इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत से बनता है, और यूट्यूब ऐसे ही मतलब उसका डॉलर और खराब कर देता है, उस वीडियो से 1 रुपए की अर्निंग नहीं होगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये भी तो देखो वीडियो में कुछ है भी नहीं ऐसा यार, कुछ ना गलत बोला ना कुछ गलत किया।
वैसे वीडियो पे हमारी पे ऐड आते हैं, उस पर कोई भी ऐड नहीं है इसमें। कभी कभी तो वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे हमें लगे कि हाँ ये गलत है। तेरे दिल में हो के नहीं हूँ, तू तो मेरी नस नस में बसी। फ्रेंड यार क्या करें, आपको अच्छा दिखाने के लिए इतना दिमाग दौड़ाते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी ना पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। यही नहीं, एक दो वीडियो और भी है जो अचानक से यूट्यूब ना एकदम से वो वीडियो खराब कर देता है। आप लोगों ने दिल्ली का व्लॉग देखा होगा, ऐसा कुछ दिखाया जो मतलब यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ हो या फिर कुछ ऐसा बोला। अगर आपको कहीं लगा हो तो बताना, कोई गलती नहीं करी और यूट्यूब ने मेरा वीडियो बिल्कुल बेकार कर दिया। दो दिन में एक वीडियो डाला था वो भी उसने बेकार कर दिया। अपील भी किया मैंने, कुछ नहीं हुआ। कॉल आ गया मम्मी, क्या सोने का वक्त भी हो गया। वीडियो को यही समाप्त कर, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से मेरी उम्मीद है, विश्वास है, प्लीज उम्मीद मत टूटने देना मुझे, मेरा हौसला मत हारने देना कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं। कभी कभी ना मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं। बहुत मेहनत करी है यूट्यूब पे, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गवाया मैंने, तो प्लीज मुझे हारने मत देना। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मैं यहीं विदा लेती हूँ, जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। मैं तो तेरे दिल में होके नहीं हूँ, तू तो